वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सीसी रोड के बारे में। सीसी रोड का एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है और उसकी मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सीसी रोड के बारे में भी बताइए, तो आज उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को गेन कराइए, जिससे कि मेरा मन भी करे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। और आज इस बारे में बात करेंगे कि सीसी रोड कैसे बनाया जाता है और उसका रोड का एस्टीमेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि एस्टीमेट एक अनुमानित लागत मतलब पता करने के लिए बनाते हैं, और MB जो मेज़रमेंट बुक होती है उसको जो एक्चुअल जो साइट पर वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। एस्टीमेट और MB में डिफरेंस होता है दोनों में बहुत, कि एक हम अप्रोक्स हम मेज़रमेंट लेकर भी एस्टीमेट बना सकते हैं, लेकिन MB जो होती है वो हमें अप्रोक्स नहीं कर सकते। हम उसको जो जो साइड पर जो वर्क होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें MB की जाती है, ठीक है। उसकी MB करने के लिए हम उसकी जो लेंथ होगी उसको अलग अलग लेंथ को भी हम डिवाइड करते हैं, लेकिन एस्टीमेट करने के लिए हम अप्रोक्स एक साथ भी उसकी लंबाई ले सकते हैं। अगर उसकी चौड़ाई सेम एवरेज लेकर हम एक साथ लंबाई ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम आते हैं डिटेल ऑफ मेज़रमेंट पर। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि डिटेल जो टाइटल है या फिर आपका फ्रंट पेज जो एस्टीमेट करेगा, आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने अपना ये इस तरीके से बनाया हुआ है, जैसे कार्य का नाम है, योजना का नाम, जैसे अगर आप विधायक निधि किसी भी डिपार्टमेंट का आप कोई भी एस्टीमेट बनाते हो, सेम प्रोसेस रहता है हर किसी का। बस फ्रंट पेज को बदलना होता है कि योजना का नाम, जैसे यहाँ पर क्या है, विधायक निधि हमने डाला हुआ कि हम विधायक निधि का एस्टीमेट बना रहे हैं, या किसी भी डिपार्ट जैसे RES के क्षेत्र पंचायत का एस्टीमेट होता है, या जिला पंचायत का होता है, या RES का होता है किसी चीज़ का, या फिर ग्राम पंचायत का हम जैसे एस्टीमेट बनाते हैं ग्राम पंचायत का, तो यहाँ पर GPDP योजना डाल देते हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ प्रस्तावक का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, विकास खंड का नाम दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर ग्राम जंगीराबाद, उसकी लंबाई कितनी है। हम तो हमें एस्टीमेट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें साइट पर जाना होगा, साइट पर मेज़रमेंट करनी होती है, जो कार्य करने से पहले भी हमें उसका सर्वे करके मेज़रमेंट करनी होती है कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। और उसका लेवल निकालना होता है कि उसकी जो हम उसमें अगर फिलिंग करनी होगी अर्थवर्क की, तो उसकी फिलिंग कितनी होगी और कितने लेवल तक हमारा रोड आएगा, या फिर ड्रेनेज जो हमारी आएगी उसका लेवल कितना होगा, उस हिसाब से हमें देखना होता है, ठीक है। तो सपोज़ करो हम किसी साइड पर गए, उसकी साइड की लंबाई है 100 मीटर और उसकी चौड़ाई है जो रोड की हमारी 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर उसकी चौड़ाई है सपोज़ करो, ठीक है। तो ये जो होगी हमारी 3 मीटर, ये हमारी कहीं जैसे अंदर गांवों में या किसी शहर में रोड है, तो ये वॉल टू वॉल ये चौड़ाई है इसकी, वॉल टू वॉल चौड़ाई नापी जाती है साइड पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको फ्रंट पेज दिखाई दिया, इस तरीके से बनाते हैं। आप रिपोर्ट जैसे प्रतिवेदन बनाना होता है, प्रतिवेदन भी बना सकते हो। ये हमने RMR से इसकी कार्टेज जो मिट्टी होती है उसका रेट निकाला हुआ है, ये GSB का रेट निकाला है। आप कमेंट करके बताना, मैं GSB की एनालिसिस करना भी बताऊंगा आपको, कि आपको हर साइड पे अलग अलग GSB की कार्टेज के द्वारा हमें एनालाइज करनी होती है कि किस तरीके से हमें उसका रेट निकालना होता है। हर किसी साइड का अलग अलग GSB का रेट होता है, पत्थर का रेट हर किसी का अलग अलग होता है, शेड्यूल में कोई एक फिक्स साइड का रेट नहीं होता है, हमें उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डिटेल ऑफ मेज़रमेंट पे जाना है। डिटेल ऑफ मेज़रमेंट करने के बाद हमें कार्य का नाम डालना होता है, जैसे कि यहाँ पर डला हुआ है, जैसे मेन रोड से संजय के घर की तरफ सीसी रोड का निर्माण कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइटम लेना होता है, अगर अगर वहाँ रोड कच्चा है, जैसे कच्चा रोड है, जहाँ मिट्टी का रोड है, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर कुछ फिलिंग करनी होती है या फिर कटिंग भी करनी होती है। ज़्यादातर केस में हमें फिलिंग करनी होती है,
तो हमें क्या करना होता है, कहीं दूर से 3 किलोमीटर दूर से या 5 किलोमीटर दूर से कार्टेज की मिट्टी का रेट लगाना होता है। तो हमें सबसे पहले मेज़रमेंट करने के लिए क्या करना होगा कि उसकी लंबाई लेंगे 100 मीटर जैसे उसकी लंबाई है, उसके बाद ये यहाँ पर 3 मीटर उसकी चौड़ाई है, और कितनी फिलिंग करनी होगी हमें, हमें करनी होगी जैसे सपोज़ करो हमें 1 फिट मिट्टी लेनी है, तो 1 फिट मिट्टी के लिए हमें 0.30 मीटर हम इस तरीके से इसकी फिल कर देंगे। तो इसके हमारी मिट्टी कितनी आ गई, 90 क्यूबिक मीटर, ये इसकी यूनिट है क्यूबिक मीटर, तो 90 क्यूबिक मीटर मिट्टी आ गई। और हमने क्या लगाया इसमें, 3 किलोमीटर की कार्टेज लगाई है, तो हमने 3 किलोमीटर कार्टेज का रेट लगा दिया 164 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये मिट्टी निकल आई। उसके बाद हमें मिट्टी डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें अगर GSB, अगर आपको GSB देना है, जैसे कहीं कहीं 2 कोट पत्थर भी देते हैं और सिंगल कोट भी चलता है, तो हमें अगर सिंगल कोट देना हो तो GSB देना होगा। तो GSB का सबसे पहले हमें GSB वहाँ डालनी होगी, GSB को लाकर हमें उसे बिछानी होगी। तो फिर दूसरा हमारा आइटम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनर सब बेस बाय प्रोवाइडिंग वेल ग्रेडेड मटेरियल, ठीक है। इसको ये देख लेना कि GSB अगर हमारे कॉम्पैक्टेड है, उसके एनालिसिस में क्या करना होगा कि अगर मशीनरी से, अगर रोलर से कॉम्पैक्ट करा रहे हैं तो उसका भी चार्ज लगे। गांव में छोटी गलियां हैं, जैसे उसकी चौड़ाई कम है, तो वहां पर हमारा रोड रोलर नहीं जा पाता है, तो उसका चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम उसके रेट एनालिसिस करके लगाते हैं, ठीक है। तो उसकी मेज़रमेंट करने के लिए क्या करना होगा, सेम हमारी जो लंबाई होगी वही रहेगी, उसकी सेम चौड़ाई रहेगी, क्योंकि हमारी पूरी विड्थ जो हमारी चौड़ाई है उसी चौड़ाई में हम पूरी GSB फैलाएंगे, GSB को हम एक लेयर रखेंगे। अगर आपको 4 इंची देनी है तो 4 इंची भी दे सकते हो, 5 इंची भी दे सकते हो, ठीक है। अगर कच्चा है तो ज़्यादातर 5 इंची देनी होती है, अगर लोड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर सिंपल रोड है तो आप 4 इंची दे सकते हो, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ 4 इंची GSB दी हुई है, 4 इंची। अगर किसी रोड पर ज़्यादा लोड हो रहा है कि जो जहाँ बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉले निकलते हैं, तो वहाँ आप 5 इंची या 6 इंची भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 इंची GSB देने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 30 क्यूबिक मीटर ये हमारी GSB आएगी, और रेट में इसकी मल्टीप्लाई करके ये 97,500 रुपये की हमारी GSB लग गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी GSB बिछ जाएगी पूरी चौड़ाई 3 मीटर में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चिनाई करेंगे दोनों तरफ की नाली बनाने के लिए। दोनों तरफ की नाली बनाने के लिए हमें 2 की मल्टीप्लाई पूरी लंबाई में करनी होगी, और दोनों तरफ की जो दीवार होगी वो 4-4 इंची की हमारी जो घरों की दीवार होगी उसके लगती हुई हमारी 4-4 3-3 रद्दे 4 इंची के लगाए जाएंगे। तो इसी वजह से हमने क्या काम करा, 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.115 का, मतलब होता है 4 इंची, 4.5 इंची की चौड़ाई, जो उसकी ईंट की जो चौड़ाई होती है, ठीक है। और जो 0.23 का मतलब होता है तो 3 रद्दे की गहराई, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताना, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इसकी यूनिट को कंफर्म करते हैं, और इसमें कितने ईंट का क्या साइज़ होता है, और किस तरीके से नाली बनाते हैं, ठीक है। तो इसके इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारा 5.29, और उसकी मल्टीप्लाई रेट, ये शेड्यूल में रेट होता है 1:4 का रेशो होता है कोर्स एंड की चिनाई का, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 27,349 रुपये, ये हमारी चिनाई के आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम डालेंगे सीसी को डालने के लिए, जो हमारा पेवमेंट होगा, जो ऊपर की लेयर होगी सीसी की, वो डालेंगे, ठीक है। उसको डालने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी लंबाई जो हमारी 100 मीटर वो 100 मीटर ही रहेगी उसकी, लेकिन चौड़ाई में क्या होगा, हम चौड़ाई में वो घटाएंगे जो हमारी 4 इंची दोनों तरफ दीवार लगी वो, और प्लस 9-9 इंची की जो हमारी जो जिसमें पानी चलेगा नाली, जो ड्रेन होगी उसको हम घटाएंगे चौड़ाई में से। तो उसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.69, दोनों तरफ का 0.69 उसकी चौड़ाई बैठती है, उसको हम घटा देंगे तो 2.31 हमारी ये बचेगी चौड़ाई, ठीक है। और उसके बाद सीसी हमारी 0.12 का मतलब 5 इंची के आसपास हम इसमें सीसी की इसकी थिकनेस लेंगे। आप 4 इंची भी ले सकते हो, 6 इंची भी ले सकते हो, 5 इंची। जैसे 6 इंची लेने के लिए 0.15 कर देंगे, जैसे सपोज करो हमने 0.15 6 इंची सीसी ली, तो उसकी हमारी क्वांटिटी ये आ गई 34.65। इसमें हम 80-50 का रेट लगा देंगे, तो 2,78,900
₹32 की हमारी सीसी हो गई। उसके बाद हम प्लास्टर कर देंगे दोनों तरफ नाली में। प्लास्टर आपको समझ ही आता होगा कि किस तरीके से करना है। ये 0.18 कैसा आया, क्योंकि हम इसमें 2 इंची की जो अंदर नाली में पीसीसी करेंगे उसको घटा देंगे इस वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है पीसीसी वर्क, पीसीसी वर्क इन 1, 2, 4, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टॉप ऑफ वॉल सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी दोनों तरफ वॉल है 100 मीटर की, और उसके बाद उसकी दीवार की चौड़ाई है हमारी 0.115, ठीक है। उसके बाद हमें ऊपर करना है 1 इंची की पीसीसी, तो 0.025, तो इनकी चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वांटिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम बेड में पीसीसी करेंगे, तो बेड में पीसीसी की उसकी चौड़ाई कितनी है, 0.23, और 2 इंची की पीसीसी का मतलब 0.05, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ऐड करके हमारा 2.88, और उसमें रेट लगा देंगे 70/50 का, तो 20,304 रुपये आ जाएंगे। इन सब को हम क्या करेंगे, इन सब को हम ऐड कर देंगे ऊपर से नीचे तक, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, ये टोटल हमारा रेट आ गया। उसके बाद हम जाएंगे समरी ऑफ कॉस्ट पर। समरी ऑफ कॉस्ट में जो हमारा पीछे कॉस्ट आई है उसको, कॉस्ट को यहाँ उठा कर लाएंगे, इसमें 18% GST लगा देंगे, और हमारा टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5,26,334 रुपये की हमारी पूरी 100 मीटर की और 3 मीटर चौड़ाई में सीसी होगी। अगर हम 6 इंची सीसी डालें और 4 इंची GSB डालें और 1 फिट मिट्टी डालने के बाद, ठीक है, ये जो एक्चुअल जो आज का रेट है, करंट जो रेट लग रहे हैं, वो उस रेट पर हमने ये सीसी का एस्टीमेट बनाया है, इतने रुपए की आपकी सीसी बैठेगी, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, उस कमेंट के बाद भी हम एक वीडियो और बनाएंगे डिटेल में, ये एक आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अगर कुछ समझ ये नहीं आया कि हम मिट्टी फिलिंग कैसे करते हैं, फिर GSB कैसे डालते हैं, तो मैं प्रॉपर वीडियो एक और बनाऊंगा विद इमेज की दिखा के कि किस तरीके से हमें मिट्टी फिल करनी होती है, किस तरीके से हमें GSB डालनी होती है, चिनाई कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नए नए आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो। बहुत सारा डाटा है मेरे पास कि मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना सारा एनालिसिस हैं, बहुत सारे आइटम हैं, किस तरीके से एस्टीमेट, हर चीज़ का एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हर चीज़ की एनालिसिस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर को बढ़वाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, या जो भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को आप शेयर किया करो ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड्स सर्कल है या फिर आपके विभाग कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसमें आप उसको इस चीज़ की नॉलेज करने के लिए, या उनको पता नहीं है किस तरीके से एस्टीमेट पढ़ा जाता है या बनाया जाता है, उनको भी शेयर किया कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, सब खैर।